और ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग आज ये नया चैप्टर जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग टू द चैप्टर, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। Development is a concept that can be interpreted in many ways. It is difficult to define the concept in a way that is acceptable to everyone because people look at development in different ways. Most people think development is achieving one's need and aspirations. But when we would like to improve everyone's life, so what are the possible ways in which they can make all people prosperous enough to lead a happy and contented life? देखें यहाँ पर बताया रहा है कि डेवलपमेंट जो है, ठीक है, वो सभी लोगों के लिए डिफरेंट रहता है। कुछ लोगों के लिए हर एक किसी भी इंसान के लिए चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो, उनके लिए जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई कोई अगर लेबर है तो वो क्या चाहेगा कि उसके पास में इतने पैसे हों कि उसकी जो फैमिली है वो बहुत अच्छे से रह पाए। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि किसी भी के भी नीड और एस्पिरेशंस को पूरा कर लेना उनके लिए क्या है, एक तरीके से डेवलपमेंट है। दिस कुड बी अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन डिफरेंट वेज, सो हाउ डू वी रीच अ कंसेंसस ऑन अ कॉमन पाथ टू अचीव अवर ऑब्जेक्टिव। How can we ensure that every individual has the opportunity and develops the capability to do the things that we consider are important for our society? How can we ensure that society provides them the opportunity to do these things? What efforts should we make in this direction? We shall discuss these questions and issues in this chapter. यहाँ पर बता रहा है आपको कि किस तरीके से कॉमन पाथ को अचीव करना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब जो इसमें आपको दिया है ना, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हाउ डिफरेंट पीपल सी डेवलपमेंट। द टेबल बिलो लिस्ट द एस्पिरेशंस ऑफ डिफरेंट पीपल। इट विजुअलाइजेस दैट व्हाट पीपल थिंक अबाउट देयर पर्सनल डेवलपमेंट। देयर आर ओनली एग्जांपल्स। इट्स पॉसिबल दैट पीपल हैव अदर ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड एज वेल। व्हाट डू यू थिंक द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल लिस्टेड बिलो। विजुअलाइज दिस एस्पिरेशंस एंड कंप्लीट द टेबल। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे में यहाँ पर बता रहा है आपका कि किस तरीके से अलग अलग लोग जो है वो डेवलपमेंट को किस अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, कैसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ पर आपको सभी लोगों के प्रोफेशन या कैटेगरी के बारे में बताया है कि कौन सी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट क्या है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं और कुछ आपको आप लोगों को खुद से बनाने हैं। जैसे कि डेली वेज लेबर, ठीक है, जो लेबर है वो अपने वो डेवलपमेंट को या एस्पिरेशंस को किस तरीके से देखते हैं कि उनको पूरे साल काम मिले, बेटर वेज मिले, उनको तनख्वाह उनके मतलब जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो अच्छे हो, उनके बच्चों को एजुकेशन अच्छे से मिले। ये डेली वेज वर्क लेबर्स जो है वो इस तरीके से अपने डेवलपमेंट को देखते हैं। वहीं एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या देखता है कि उसको आसानी से रॉ मटेरियल्स जो भी चीज़ की उसकी फैक्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री उसकी सेटअप है, वो आसानी से उसको क्या मिल जाए, रॉ मटेरियल्स मिल जाए, चीप में मिले, सस्ते में उसको रॉ मटेरियल्स मिल जाए, अवेलेबिलिटी बहुत हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या बहुत आसान हो जाए ताकि उसको कम से कम पैसे इसमें खर्च करने पड़े, लेकिन उसका जो एडवांटेज है उसको क्या मिले, बहुत ज़्यादा मिले। वही कोई कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल गोइंग स्टूडेंट, वो क्या चाहता है कि उसके एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हों, उसको कॉलेज के बाद में या स्कूल्स के बाद में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत अच्छे से हो, पर्सनल फ्रीडम हो, एक सिक्योरिटी हो, यही क्या है, एक कॉलेज स्टूडेंट जो है वो चाहता है। अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, जो एजुकेटेड है और अनएम्प्लॉयड है वो क्या चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका एग्जाम्पल में इंजीनियर्स के बारे में दिया है कि जो अनएम्प्लॉयड हैं, एजुकेटेड हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं, वो क्या चाहेंगे कि उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले और साथ में हाउसिंग की फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें क्या उनको आसानी से मिल सके। ये किसी भी एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, उनके लिए डेवलपमेंट जो है वो इसी तरीके से वो लोग देखेंगे। वैसे यहाँ पर दिखाया है
विमेन एग्रीकल्चरल वर्कर्स, ठीक है, जो 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 महिला जो है वो एग्रीकल्चर में जो काम करती है वो क्या चाहेंगी, उनको अच्छे वेजेस मिले, गुड वेजेस मिले, सिक्योरिटी मिले, ठीक है, पूरे साल वो लोग काम कर सके, हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज ये सभी उनको क्या है मिले, तभी वो लोग अच्छे, उनके लिए डेवलपमेंट यही होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल इसको आपको फिल करना है कि आप अपना मतलब डेवलपमेंट किस तरीके से देखते हैं, कोई स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट को किस तरीके से देखता है, टीचर किस तरीके से देखते हैं, और विलेज सरपंच जो है वो अपने डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हैं, ये यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, फिल करना है। इफ यू एग्जामिन द टेबल वी सी दैट पीपल एस्पायर फॉर दोज थिंग्स दैट दे फील आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। दिस एस्पिरेशन कुड बी ऑफ मेनी काइंड। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉलेज स्टूडेंट लुक्स फॉर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी इन एडिशन टू बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। फॉर मेनी पीपल हेल्थ सर्विसेज आर अ प्रायोरिटी। द इंडस्ट्रियलिस्ट वॉन्ट्स टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट बाय सेलिंग हिज प्रोड्यूस। द डेली लेबरर्स लुक्स फॉर फेयर वेजेस एंड थ्रू आउट वर्क थ्रू आउट द ईयर। ही ऑल्सो होप्स हिज चिल्ड्रेन विल नॉट हैव टू वर्क एज डेली वेज लेबर्स। देखिए यहाँ पर आपको वो जो टेबल है उसको उसी को एक्सप्लेन किया है और बताया है कि लोग जो है वो उसी चीज को एस्पायर करते हैं, उसी चीज को अपना डेवलपमेंट का जरिया मानते हैं जिस चीज को उनको ज्यादा नीड रहती है, ठीक है, जिस चीज के लिए वो चाहते हैं कि ये चीज उनको मिले, वही चीज वो चीज के लिए ही वो क्या करते हैं एस्पायर करते हैं, और वही उनके लिए डेवलपमेंट है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे फिर से बताया, कॉलेज स्टूडेंट क्या है, फ्रीडम चाहेगा, सिक्योरिटी चाहेगा, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहता है। वहीं पर एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है और अपने प्रोड्यूस को सेल करना चाहता है। कोई डेली लेबर जो है वो जो डेली लेबर है वो चाहेगा कि उसके जो वेजेस है वो बहुत अच्छे मिले और पूरे साल उसको काम मिले, और वहीं पर उसके बच्चों को क्या मिले, एक बेटर एजुकेशन मिले। ये सारी चीजें क्या उनके लिए मतलब उनके लिए क्या है डेवलपमेंट है, ठीक है। दिस एस्पिरेशन कैन समटाइम्स गिव राइज टू सिचुएशन ऑफ कंफ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल मे वॉन्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज एज हर ब्रदर, बट हर पेरेंट्स मे नॉट लाइक हर थिंकिंग दिस वे। सिमिलरली, एन इंडस्ट्रियलिस्ट मे वॉन्ट टू अर्न अ प्रॉफिट बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एट द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस दैट अ कंज्यूमर मे वॉन्ट द सेम प्रोडक्ट टू इजिली अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो एस्पिरेशंस है वो हो सकता है कि प्रॉपर किसी एक इंसान के लिए सही हो, लेकिन दूसरे इंसान के लिए वो चीज़ें क्या हो गलत हो सकती हैं या उसको अच्छा नहीं लग सकता। जैसे कि कोई कोई गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, कोई गर्ल है वो चाहेगी कि जितना उसके भाई को, ठीक है, उसके भाई को जितना फ्रीडम मिल रहा है, जितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उतना ही फ्रीडम उसको भी प्रोवाइड हो, उसको भी मिले। लेकिन हो सकता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो इस थिंकिंग को ना मानते हों। उसी तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और अपने जो उनका जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमम सेल में वो मैक्सिमम प्राइस में जब वो बेचेंगे तभी उनको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जो कंज्यूमर है वो क्या चाहेगा, कंज्यूमर ये चाहेगा कि उसको जो प्रोडक्ट है वो इजिली अवेलेबल हो और कम से कम रेट पे उसको वो चीज़ मिल सके। तो एक 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 के लिए जो एस्पिरेशन है, एक के लिए जो डेवलपमेंट है, हो सकता है वो दूसरे को अच्छा ना लगे या फिर दूसरों के लिए वो गलत हो। दिस शोज दैट पीपल एस्पायर टू प्रोटेक्ट देयर ओन राइट्स एंड द नीड्स ऑफ दिस फैमिलीज, बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी वांट टू प्रोटेक्ट एंड अकोमोडेट द एस्पिरेशंस ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन। वुडंट वी देन हैव टू थिंक फॉर ऑफ अ सॉल्यूशन दैट गोज बियॉन्ड द इंडिविजुअल एस्पिरेशंस aspiration of people, we would have to think about everyone's rights and how we can protect them. We would have to think of the different kinds of such universal rights that lead to public welfare. For example, establishing a school in a village or town would provide children the better opportunity to study, which may not have been available earlier. The education being free would make it universally available to everyone. Parents would not have to spend. In addition, a midday meal and scholarship would be provided to attract more children to the school and ensure that they are not hungry. Such measures help to ensure that the right to education is universal and everyone can benefit from it. Similarly, other public facilities such as drinking water, health, roads,
अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा आर ऑल्सो यूनिवर्सल हैंस अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब लोगों का जो एस्पिरेशंस रहते हैं वो, मतलब लोगों की जो एस्पिरेशंस रहते हैं, लोग जो रहते हैं वो अपने एस्पिरेशंस को क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी उनकी जो फैमिली की जो नीड्स है उसको फुलफिल करना चाहते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि उनकी फैमिली क्या रहे, खुश रहे और उनको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आपका क्या बता रहा है कि ये इंडिविजुअल एस्पिरेशंस तो अलग हैं आपके, हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिससे क्या हो, एक साथ में बहुत सारे लोगों का डेवलपमेंट हो। तो एक यूनिवर्सल राइट किस तरीके से, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिससे क्या हो, पूरे के पूरे लोगों को, बहुत सारे ग्रुप के लोगों को क्या हो, बेनिफिट पहुँचे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ दिया है कि अगर कोई एक स्कूल बनाया जाता है, ठीक है, कोई स्कूल बनाया जाता है जिसमें जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो क्या होगा, बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, जो बच्चे रहेंगे वो वहाँ पर आके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। उन तो एजुकेशन क्या है आपके लिए, एक यूनिवर्सली अवेलेबल होने का क्या है, यूनिवर्सली अवेलेबल एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे में क्या क्या होगा, किस किस के जो किस किनको फ़ायदा होगा, तो पेरेंट्स को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, उनको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे बच्चों के एजुकेशन में, और साथ में ही साथ नहीं बच्चों को भी क्या है, एजुकेशन अच्छी मिल जाएगी, तो पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे उस चीज़ से। वहीं पर अगर उसी स्कूल में मिड डे मील्स और कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है, प्रोवाइड कर दी जाए बच्चों को, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और ना तो वो भूखे रहेंगे और उनके पास में क्या होगा, स्कॉलरशिप के थ्रू पैसे आ जाएंगे, जिससे वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे आगे पढ़ने के लिए। उसी तरीके से ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, रोड्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, पब्लिक में पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि सभी लोगों का क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो गया, और पूरे जो डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा सके, इस यूनिवर्सल डेवलपमेंट हो। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि सभी का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, और इन सारी चीज़ों में लोगों को पैसे खर्च ना करने पड़े। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल राइट दैट लीड टू पब्लिक वेलफेयर। कंसिडर द केस ऑफ अ विलेज विद अ नैरो मड रोड, व्हेन द वेदर इज फाइन पीपल कैन कम एंड गो विदाउट प्रॉब्लम, बट वेन इट रेन्स द मड रोड बिकम्स स्लशी, पीपल देन फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव इन एंड आउट ऑफ द विलेज, सो द विलेज इज डिसाइडेड टू वाइडन एंड पेव देयर रोड मड रोड टू मेक इट अनसीएबल इवन ड्यूरिंग रेनी सीजन, बट टू वाइडन द रोड इट वॉज नेसेसरी फॉर सम विलेजेस टू गिव पार्ट ऑफ देयर लैंड, सम विलेजेस अग्रीड टू डोनेट देयर लैंड बट सम अदर्स वे आर नॉट प्रिपेयर टू डू सो, द विलेजेस कन्वेड अ मीटिंग टू देयर ग्राम सभा टू डिस्कस द इशू। Eventually, all the landowners affected by the proposed road decided that they would donate the land needed to widen the road to serve the interest of all the villagers. In this way, the entire village could benefit from a construction of a wide paved road. Public welfare would be ensured. अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि छोटा सा example आपको दिया है गाँव का, कि गाँव का जो एक village है, ठीक है, village है, उसमें जो वहाँ के जो road है वो क्या है, mud road है। mud road है मतलब मिट्टी का बना हुआ है। जब वहाँ का जो weather है वो ठीक रहता है, तब तो लोग आसानी से क्या करते हैं, वहाँ आना जाना करते हैं, एक गाँव से दूसरे गाँव या कहीं भी उनको जाना रहता है तो वो आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब रेनी सीजन आता है तो जो वो mud road है वो क्या हो जाता है, स्लशी हो जाता है, वहाँ पर पूरे पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, जिसके कारण से लोगों को वहाँ पर आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो वहाँ के जो विलेजर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो रोड को वाइड करेंगे, चौड़ा करेंगे, बढ़ाएंगे और साथ में उसको पेव करेंगे, मतलब इन द सेंस वहाँ पर क्या है, उसको प्रॉपर एक रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ताकि उनको रेनी सीजन में भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन रोड को वाइड करने के लिए, ठीक है, बड़ा करने के लिए कुछ विलेजेस को अपना जो लैंड है वो देना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा, इन द सेंस डोनेट करना पड़ेगा उस लैंड रोड बनाने के लिए। बहुत सारे जो विलेजेस थे वो अपने लैंड को डोनेट करने के लिए रेडी हो गए, लेकिन कुछ विलेजेस थे वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे।
तो यहाँ पर ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई गई और वहां पर जो इश्यूज थे वो डिस्कस किए गए, ठीक है, क्या क्या इश्यूज थे और उनको सॉल्व किया गया। और फाइनली सारे जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने रोड रोड बनाने के लिए क्या किया, एग्री कर दिया और अपने लैंड को डोनेट कर दिया, दे दिया। जिससे क्या हुआ वहां पर, जिससे कि पूरे जो वहां के गांव वाले जो लोग थे वहां पर जब रोड बन गया तो पूरे गांव के जो लोग थे वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा आने जाने में उनको जो डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ रहा है। इन द सेंस पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या है, पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए और एंश्योर करना चाहिए कि पब्लिक क्या है, हर एक चीज़ों से सेटिस्फाइड है, आसपास के लोगों से या फिर जो आपका पब्लिक डेवलपमेंट है वो यहाँ पर होना चाहिए प्रॉपरली, किसी एक एक कैटेगरी के इंसान के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए जो पब्लिक डेवलपमेंट है वो यहाँ पर होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको बता रहा है। मतलब इन द सेंस यहाँ पर पब्लिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।